अगर आप टर्मक्स के एक एक्सपर्ट यूजर बनना चाहते हो, लाइक अ प्रो यूजर बनना चाहते हो, सो फॉर दैट आपको ज्यादा से ज्यादा कमांड सीखने होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हसनैन, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टर्मक्स के कुछ बेसिक कमांड। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे अगर, तो आप डेफिनेटली टर्मक्स चलाना सीख जाओगे। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, तो जिससे आपको प्रॉपर लर्निंग मिले एंड मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला कमांड है वो है हु एम आई, राइट। उसकी कुछ इस तरह से हम लोग को लिखना है हु एम आई, बीच में स्पेस नहीं रखना है, एंड देन हम लोग को करना है एंटर। ये कमांड लिनक्स में यूज किया जाता है अपने आप को पहचानने के लिए, यानी कि यूजर नेम देखने के लिए, राइट। तो एज यू कैन सी अभी हमारा यूजर नेम क्या है, UOA169, इस तरीके से हमारा जो है वो यूजर नेम है। दूसरा जो यहाँ पर हमारा कमांड है वो है PWD, राइट। PWD कमांड यूज होता है हम लोग को वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए, डायरेक्टरी क्या है और बाकी सब चीज़ें जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपनी रीसेंट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ज़रूरी जो ब्लॉग्स है, जो आर्टिकल्स की जो लिंक है मेरे वेबसाइट्स की, वो भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों चेक करना ना भूलें, राइट। PWD एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कमांड है अगर आपको देखना है कि अभी आप लिनक्स के अंदर कौन से फोल्डर में हो, किस जगह पर आप काम कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या लिखना है, PWD एंड एंटर करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक कंप्लीट पाथ आ जाएगा, राइट। अब हम लोग को देखना क्या है, तो पूरा पाथ नहीं देखना है, हम लोग को लास्ट फोल्डर देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो लास्ट फोल्डर है वो कौन सा है, होम नाम का। यानी कि अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आप होम नाम के फोल्डर में काम कर रहे हो, राइट। तो PWD जिससे हम लोग जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जो वर्किंग फोल्डर होता है, उसको हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है ls कमांड, राइट। ls कमांड क्या करेगा, तो ये आपको उस फोल्डर की सभी तमाम जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसको लिस्ट करवा के देगा, राइट। यानी कि देखिए अभी हम लोग कौन से फोल्डर में, होम के फोल्डर में, राइट। अगर आपको देखना है कि होम वाला जो फोल्डर है उसमें कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, तो उसके लिए हम लोग को लिखना है ls, मैंने लिखा एंड मैं करूंगा एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी होम नाम के अंदर मेरे पास सिर्फ, राइट, तो माया नाम का एक फाइल है और स्टोरेज जो है वो एक फोल्डर है। तो इस तरीके से आपको अगर फाइल्स एंड फोल्डर लिस्ट करवाना है, सो फॉर दैट आपको क्या करना है, ls कमांड। उसके बाद में आता है cd कमांड, राइट। cd कमांड से आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हो। जैसे कि मुझे जाना है स्टोरेज नाम के फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd और यहाँ पे लिखूंगा स्टोरेज, राइट। पूरा नहीं लिखना है, हम लोग को टैब की यूज करनी है, तो यहाँ पे मैं टैब की का यूज करूंगा एंड देन एंटर। तो अभी मैं स्टोरेज वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, राइट। अभी अगर मेरे को देखना है कि स्टोरेज में क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ls, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इतने इतने फाइल्स हैं, इतने इतने फोल्डर्स अवेलेबल हैं, राइट। अब मान लो कि इस जगह पर आपको एक अपना फोल्डर बनाना है, अपना पर्सनल, तो आप बनाओगे। तो फोल्डर बनाने के लिए लिनक्स में जो कमांड है वो है mkdir, यानी कि मेक अ डायरेक्टरी। कमांड लिखा, उसके बाद में हम लोग को सिस्टम को ये भी बोलना पड़ेगा कि फोल्डर तो बनाना है लेकिन कौन से नाम से। तो लेट्स से कि मैं उस फोल्डर को नाम दे देता हूँ सना, और नाम देने के बाद मैं करूँगा एंटर, और हम लोग चेक करेंगे ls टाइप करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो सना नाम से एक फोल्डर बन चुका है। इस तरीके से आपको फोल्डर बनाना है, और फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड है rmdir, तो इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद में फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करना है सना। तो इतना लिखने के बाद आप एंटर करोगे तो वो पर्टिकुलर फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब मान लो कि आपको वापस से अपनी होम वाली डायरेक्टरी में आना है, राइट। अभी हम लोग कौन सी फोल्डर में वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे PWD, तो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि अभी हम लोग हैं फाइल के अंदर होम नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर एक स्टोरेज नाम का फोल्डर है, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। अभी मान लो कि आपको स्टोरेज में से वापस होम नाम के फोल्डर में आना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cd और स्पेस देना है, उसके बाद में दो फुल स्टॉप, इस तरीके से लिख कर एंटर कर देना है, तो जिससे हम लोग हमारी पिछली वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे। फिर से करते हैं PWD कंफर्म करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग स्टोरेज में से वापस होम नाम के फोल्डर में आ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है टच।
टच कमांड यूज होता है फाइल बनाने के लिए। टच लिखना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद में आपको फाइल का नेम दे देना है। तो फाइल का नेम हम लोग अगेन देंगे अजीम, और मैं करूँगा एंटर, और कंफर्म करने के लिए हम लोग करेंगे ls। तो जैसे कि आप देख सकते हो अजीम नाम से एक फाइल जो है वो बन चुकी है, राइट। अगर आपको फाइल को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे rm-r, और उसके बाद में हम लोग को फाइल का नाम स्पेसिफाई कर देना है। अब आप लोग सोचो कि मैंने हाइफन आर क्यों किया, तो देखिए क्या होता है कि अगर उस फाइल में कोई कंटेंट है यानी कुछ लिखा हुआ है तो कब एरर आएगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हाइफन आर स्पेसिफाई करते हैं। तो जिससे हम लोग सिस्टम को फोर्स कर रहे हैं कि भाई उसमें कुछ भी हो उस फाइल को मुझे डिलीट ही करना है, राइट। तो इस तरीके से हाइफन आर करके हम लोग को करना है एंटर, तो जिससे वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो डिलीट हो जाती है। उसके बाद में एक और कमांड है, वो है कैट, राइट। अब कैट कमांड क्या काम करता है, तो अगर आपको देखना है कि पर्टिकुलर किसी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे पहले तो क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और फिर मैं करूँगा ls, राइट। तो अभी मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है माया। अब मुझे देखना है कि माया जो नाम की फाइल है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कैट स्पेस दूंगा, और उसके बाद मैं फाइल का नाम स्पेसिफाई करूँगा, और फिर करना है एंटर। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी माया जो नाम की फाइल है उसमें क्या लिखा हुआ है, हाय आई एम यूजिंग टर्मक्स, इस तरीके से। यानी कि फाइल का कंटेंट देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैट। नेक्स्ट कमांड है mv। mv के दो यूज़ होते हैं, अगर आपको एक फाइल या फोल्डर कहीं पर मूव कराना है, किसी और जगह पर भेजना है, तो आप यूज़ करोगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो mv का यूज़ करके आप फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा mv, उसके बाद में मेरे को लिखना है फाइल का नाम माया, और उसके बाद में मैं वो नाम लिखूँगा जिससे मुझे नाम चेंज करना है, यानी कि रिप्लेस वाला नेम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सना, और मैं कर दूँगा एंटर। तो अब जिससे माया जो नाम है वो सना के साथ रिप्लेस हो गया। कन्फर्म करने के लिए हम लोग ls करेंगे ताकि पता चल जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो mv कमांड दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो फाइल एंड फोल्डर्स को मूव कराने के लिए, और दूसरा उसको रीनेम करने के लिए। लेट्स मेक इट क्लियर। एंड जो नेक्स्ट कमांड है वो है टर्मक सेटअप स्टोरेज। अब ये जो कमांड है वो आप कब यूज़ करोगे मालूम है, जब आपको अपने फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज एक्सेस करना है। यानी कि हम लोग, पता है मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये मेरा फाइल मैनेजर है, राइट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल फाइल्स के अंदर। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास इतनी इतनी फाइल्स हैं। अगर आपको ये डेटा अपने फ़ोन का फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सेस करना है कहाँ से, टर्मक से, राइट, तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना है Termux, उसके बाद में आपको लिखना है सेटअप एंड हाइफन स्टोरेज, इस तरीके से। आपको पूरी सिंटेक्स अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, राइट। इतना लिखने के बाद आपको करना है एंटर। एंटर किया, अब देखिए मैंने ऑलरेडी परमिशन देके रखी है इसीलिए यहाँ पर मेरे को कुछ पूछा नहीं। लेकिन अगर आप जब इस कमांड को पहली बार यूज करोगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि डू यू वॉन्ट टू अलाउ Termux टू एक्सेस योर इंटरनल स्टोरेज, तो आपको वहाँ पर करना है अलाउ, राइट, परमिशन दे देनी, ग्रांटेड कर देनी, राइट। उसके बाद हम लोग करते हैं ls। तो मेरे पास स्टोरेज नाम का फोल्डर है, तो अगर मैं स्टोरेज में चलता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर और कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो मैं पहले लिखूँगा cd और हम लोग करेंगे स्टोरेज, इस तरीके से। तो मैं करूँगा ls, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मूवीज़, पिक्चर्स, डाउनलोड्स, ये सब कौन से फोल्डर्स हैं, मेरे इंटरनल स्टोरेज के फोल्डर्स हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं उनको, ये रहा डाउनलोड्स, उसके अलावा है, तो चलो हम लोग कंफर्म करते हैं डाउनलोड्स में जाके। तो डाउनलोड्स के अंदर दो फोल्डर है, रिसीव्ड एंड अपग्रेड, तो हम लोग इधर से चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर करेंगे ls, राइट। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने तीन चीज़ें आ चुकी हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेक इट ईजी, वीडियो को दोबारा देख सकते हो वापस समझने के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओके, राइट। उसके बाद मुझे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक होगा वो होगा लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की। अगर आपने ये सीख लिया ना बॉस, तो आप जो है वो लिनक्स को एकदम फास्ट यूज़ कर सकते हो। वो वीडियो जो है हमारी अगले संडे आने वाली है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। एंड अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दे, और साथ में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे भी ऑन कर दे, ताकि जब कभी मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लास्ट कमांड है हमारा echo, राइट। echo कमांड जो है वो यूज़
होता है कोई मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। तो मान लो मुझे एक मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है कि आई एम ए हैकर, विच इज़ नॉट ट्रू, मैं हैकर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज टाइप एंड देन एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो वो जो मैसेज है वो यहाँ पर टाइप हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड है उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो ये थे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अगेन इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको टर्मक्स सीखने में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।